हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम छोटी टीटीएल नैन गेट करने वाले हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सिंपल ट्रांजिस्टर है जिसके बेस और कलेक्टर के बीच में हमने शॉर्टी बैरियर डायोड लगाए हैं। तो सबसे पहले शॉर्टी बैरियर डायोड क्या होता है? ये बहुत ही फास्ट स्विचिंग डायोड होता है। इसकी जो फॉरवर्ड वोल्टेज होती है वो सिर्फ 0.25 वोल्ट होती है एज कम्पेयर टू 0.7 वोल्ट ऑफ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। तो सिर्फ 0.25 वोल्ट देने पर ही ये ऑन हो जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स इसकी स्विचिंग स्पीड क्या है? हाई है। तो स्विचिंग स्पीड हाई होने की वजह से हम शॉर्टी टीटीएल यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो ओवरऑल गेट होता है उसकी भी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो सबसे पहले तो जो नॉर्मल टीटीएल होता है उसमें क्या प्रॉब्लम हम फेस करते हैं? तो आपको ऑलरेडी पता है जो नॉर्मल टीटीएल गेट होते हैं वो सिर्फ दो मोड्स में काम करते हैं, सेचुरेशन मोड और कट ऑफ मोड। ठीक है, तो सेचुरेशन मोड में क्या होता है? जब ट्रांजिस्टर आपका ऑन होता है इट मींस इट इज इन सेचुरेशन मोड। तो सेचुरेशन मोड में जितने भी आपके चार्ज कैरियर्स होते हैं वो सारे कलेक्टर पे स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ये कलेक्टर पे स्टोर हो गए हैं तो अब जब हमें इसको कट ऑफ रीजन में लेकर आना है, मतलब हमें अपने ट्रांजिस्टर को ऑफ करना है, तब हमें क्या करना होता है? जितने भी चार्ज कैरियर्स कलेक्टर में स्टोर हो जाते हैं उन सभी को रिमूव करना होता है। तो जब हम उन सभी को रिमूव करते हैं तभी जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो ऑफ होता है। तो जब भी आपका ट्रांजिस्टर डीप सेचुरेशन में होगा तो इसको ऑन से ऑफ करने में ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, बट शॉर्टी टीटीएल में क्या होता है, हम ट्रांजिस्टर को डीप सेचुरेशन लेवल तक नहीं लेके जाते हैं। तो जो चार्ज कैरियर्स यहाँ स्टोर होते हैं कलेक्टर में वो कंपेरेटिवली कम होते हैं, जिसकी वजह से जो आपके ट्रांजिस्टर की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं इस ट्रांजिस्टर को हमने इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, यहाँ थोड़ा एस साइन बनता है इसमें, तो ये शॉर्टी क्लैंप ट्रांजिस्टर होते हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ देख सकते हैं कि ये शॉर्टी बैरियर डायोड बेस और कलेक्टर के बीच में हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम इस ट्रांजिस्टर पे बेस वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? जैसे ही वो बेस वोल्टेज 2.5 वोल्ट 0.25 वोल्ट पे रीच करेगी, ठीक है, जैसे ही ये 0.25 वोल्ट पे पहुंचेगी तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। जैसे ही ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो अब आप देख रहे हैं जो हमारा इनपुट करंट था, जो पहले डायरेक्टली बेस पे जा रहा था, बट अब वो डाइवर्ट होके डायोड के अंदर भी जा रहा है। तो यहाँ पे दो करंट बन गए हैं, डायोड करंट और बेस करंट। तो अब जो बेस में करंट जा रहा है दैट विल बी लेस। ठीक, तो बेस का करंट डिक्रीज होने की वजह से जो कलेक्टर करंट होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा और जो चार्ज कैरियर्स यहाँ स्टोर हो रहे थे वो भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो उन चार्ज कैरियर्स के कम होने की वजह से अब हमें इस ट्रांजिस्टर को ऑन से ऑफ करने में कम टाइम लगेगा। तो इससे क्या होगा, हमारी जो स्विचिंग स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। लेट सपोज कि आपकी जो सेचुरेशन वोल्टेज लेवल थी वो 5 वोल्ट थी। ठीक है, बट अब हम क्या कर रहे हैं, इसको 5 वोल्ट तक नहीं चार्ज कर रहे हैं, 3 वोल्ट तक सिर्फ ये जा रही है आपकी मैक्सिमम वोल्टेज। डीप सेचुरेशन में नहीं लेके जा रहे हैं इसको, इसको सिर्फ 3 वोल्ट तक ही हम लेके जा रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जब हमने ट्रांजिस्टर को ऑन से ऑफ में लेकर आना है, इसको ऑफ करना है, तो 3 वोल्ट से 0 वोल्ट में आने में आपको कम टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू 5 वोल्ट टू 0 वोल्ट। तो इससे क्या होता है, हमारे सर्किट की गेट की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास टू इनपुट नैन गेट है विद शॉर्टी ट्रांजिस्टर्स। सारे शॉर्टी ट्रांजिस्टर हमने इसमें यूज कर रहे हैं। ये सर्किट ऑलमोस्ट सेम है आपका टीटीएल विद टोटम पोल स्टेज की तरह ही, बस यहाँ पे सिर्फ कुछ चेंज हमने किया है कि डायोड डी को रिमूव करके उसकी जगह पर ट्रांजिस्टर Q3 और Q5 कनेक्ट कर दिए। ठीक है, और आप यहाँ इनपुट साइड में भी देख सकते हैं कि इनपुट्स के साथ हमने ये दो डायोड्स लगाए हैं, D1 एंड D2। अब ये क्या करेंगे, दीज आर द क्लैंपिंग डायोड्स। किसी भी नेगेटिव इनपुट वोल्टेज को ये रिमूव करके उसे पॉजिटिव बना देंगे, उसको क्लैंप कर देंगे पॉजिटिव वोल्टेज लेवल पे। एक्चुअली क्या होता है, कई बार जब हम यहाँ पे इनपुट देते हैं तो नॉइज की वजह से जो हमारी वोल्टेज है वो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव स्पाइक्स आ जाती हैं। तो उन स्पाइक्स को रिमूव करने का भी ये काम करेंगे डायोड्स। ये इंश्योर करेंगे कि ए और बी टर्मिनल पे जो वोल्टेज अप्लाई हो वो सिर्फ पॉजिटिव लेवल की ही हो। आपको पता ही होगा कि जनरली जो हम लो लॉजिक लेवल वोल्टेज लेते हैं दैट इज फ्रॉम 0 वोल्ट टू 0.5 और 0.8 वोल्ट।
और हाई लॉजिक वन के लिए हम 2.8 से 5 वोल्ट तक लेते हैं, ठीक है, तो वो दोनों वोल्टेजेस पॉजिटिव होती हैं, तभी ये ठीक से काम करेगा। तो बस ये दोनों डायोड ये इंश्योर करेंगे कि इनपुट वोल्टेज हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। लेट्स डिस्कस इट्स ऑपरेशन। तो सबसे पहला केस है जब दोनों इनपुट आपके लो हैं या दोनों में से एक इनपुट लो है, ओके। तो इस केस में क्या होगा, आपको पता है कि ये जो ट्रांजिस्टर हमने यूज किया है, दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर, आप देख सकते हैं बेस से एमीटर की तरफ डायरेक्शन है एरो की, तो इट मीन्स जो करंट फ्लो होगा वो बेस टू एमीटर होगा, और आपको पता ही है जो करंट फ्लो करता है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, तो इट मीन्स इसका बेस पॉजिटिव है और एमीटर नेगेटिव है, ठीक है। तो जब हमने पॉजिटिव बेस को पॉजिटिव पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव टर्मिनल को एमीटर को नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, मीन्स हम यहाँ पे जीरो दे रहे हैं, तो क्या होगा, ये बेस टू एमीटर जो पीएन जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। तो वीसीसी पावर सप्लाई से करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा, ये रेड एरोज आप देख रहे हैं, और टूवर्ड्स ग्राउंड टर्मिनल चला जाएगा। तो इस टाइम पे जो ट्रांजिस्टर होगा Q1 ये ऑन होगा, ठीक है, और जब ये ट्रांजिस्टर Q1 ऑन है उस केस में Q2 ऑफ रहेगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों पैरेलल कनेक्शन में है, इसका कलेक्टर इसके बेस के साथ कनेक्टेड है, तो अगर Q1 ऑन है Q2 ऑफ रहेगा। अब Q2 ऑफ है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं Q2 फर्दर Q5 और Q6 को भी ड्राइव कर रहे हैं, तो अगर Q2 ऑफ रहेगा तो Q5 के बेस पे और Q6 के बेस पे कोई करंट नहीं जाएगा, इस वजह से ये दोनों भी ऑफ रहेंगे, ठीक है। अब Q2 ऑफ है तो ऑफ ट्रांजिस्टर वेरी हाई रेजिस्टेंस देता है, जिसकी वजह से जो करंट है पावर सप्लाई से यहाँ से पास नहीं हो पाएगा, इट विल एक्ट एज अ ओपन स्विच हियर, ओके। और सारा का सारा करंट, ये आप रेड एरोज देख रहे हैं, Q3 ट्रांजिस्टर पर चला जाएगा, सो नाउ Q3 ट्रांजिस्टर विल बिकम ऑन एंड इट विल ऑल्सो स्विच ऑन द ट्रांजिस्टर Q4 हियर बिकॉज दे बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। नाउ अब Q3 ऑन है, Q4 ऑन है, तो करंट जो है यहाँ पावर सप्लाई से इस पाथ से होता हुआ Q4 से होता हुआ आउटपुट टर्मिनल पे आ जाएगा। नीचे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हमें पता है Q5 हमारा ऑफ है, तो Q5 ऑफ होने की वजह से करंट को यहाँ से पाथ नहीं मिलेगा, इट विल पॉज वेरी हाई रेजिस्टेंस टू द करंट, ओके। तो करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ की तरफ फ्लो करता है, तो यहाँ पे इसे लो रेजिस्टेंस पाथ मिल रहा है तो आउटपुट की तरफ फ्लो करेगा, और यहाँ पे हमें 1 आउटपुट मिलेगी व्हेन योर इनपुट्स आर लो, तो इट इज एक्टिंग एज अ नैंड गेट हियर, 0-0 इनपुट 1 आउटपुट। नाउ द सेकंड केस इज व्हेन बोथ द इनपुट्स ए एंड बी आर हाई, जब दोनों इनपुट टर्मिनल्स पे आप लॉजिक बंद होंगे, तो अब यहाँ पर क्या होगा, आपने ए टर्मिनल को भी बी को भी दोनों को हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिए, तो आपका बेस भी और एमीटर भी दोनों हाई टर्मिनल पे कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बायस नहीं होंगे बेस एमीटर टर्मिनल, ठीक है, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा इस पीएन जंक्शन में, और जो आपका ट्रांजिस्टर है ये ऑफ रहेगा। बट अब यहाँ क्या हो रहा है, बेस पॉजिटिव से कनेक्टेड है और यहाँ पे कलेक्टर हमारे पास है जो कि फर्दर ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो ये पीएन जंक्शन यहाँ पे फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और सारा करंट पावर सप्लाई से Q2 ट्रांजिस्टर की तरफ फ्लो होना स्टार्ट कर देगा, तो Q2 अब ऑन हो जाएगा इस टाइम पे। आप ये ब्लू कलर के एरोज देख रहे हैं, ठीक है, दिस इज फॉर व्हेन ए एंड बी बोथ इनपुट्स आर हाई। अब Q2 ऑन है तो एज Q5 एंड Q6 आर कनेक्टेड टू इट, ये दोनों भी ऑन हो जाएंगे और इनके थ्रू भी करंट पास होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से करंट होता हुआ ग्राउंड टर्मिनल में जाएगा, Q2 से, Q5 से और Q5 से फिर ग्राउंड टर्मिनल पे जाएगा। और आप देख रहे हैं जब Q2 ऑन है तो Q2 ऑन है, वेरी लो रेजिस्टेंस ये पॉज करेगा करंट के लिए, तो लो रेजिस्टेंस की वजह से सारा करंट यहाँ पे चला जाएगा, Q3 की तरफ कोई करंट नहीं जाएगा, जिससे अब Q3 स्विच ऑफ रहेगा, Q3 की वजह से Q4 भी स्विच ऑफ रहेगा, ठीक है। तो अब आउटपुट टर्मिनल पे यहाँ से कोई करंट नहीं आ रहा है, सिर्फ Q2 से Q5 एंड ग्राउंड टर्मिनल, Q2 Q6 टू ग्राउंड टर्मिनल करंट जा रहा है, तो यहाँ आउटपुट टर्मिनल की तरफ कोई भी करंट नहीं जा रहा है, जिस वजह से हमें यहाँ पे 0 वोल्ट मिलेगी, ठीक है। तो आपने देखा जब हमने इनपुट हाई दी, दोनों इनपुट हाई करी, तो हमें आउटपुट क्या मिल रही है, लो आउटपुट मिल रही है, सो इट इज एक्टिंग एज अ नैंड गेट नाउ। और इसकी स्पीड क्या होगी एज कम्पेयर टू TTL, हाई होगी बिकॉज ऑफ शॉर्टी ट्रांजिस्टर्स हियर,
इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि टीटीएल और शॉर्टी टीटीएल के बीच में कंपैरिजन दिखाया है, बट इज 74। तो जो हम टीटीएल के लिए आईसी यूज करते हैं वो 74 सीरीज की होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने 74 लिखा है। दिस इज बेसिक टीटीएल, दिस इज शॉर्टी टीटीएल, एस फॉर शॉर्टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्टी टीटीएल में सबसे पहले तो प्रोपेगेशन डिले कम होता है, ठीक है, 3 नैनोसेकेंड है सिर्फ एज कम्पेयर टू 9 नैनोसेकेंड ऑफ स्टैंडर्ड टीटीएल। तो शॉर्टी ट्रांजिस्टर यूज करने की वजह से हमारा जो प्रोपेगेशन डिले है वो कम हुआ है, स्पीड इंक्रीज हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर डिसिपेशन बट शॉर्टी टीटीएल के केस में ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर डिसिपेशन ज्यादा है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर यहाँ पर ज्यादा थे, आप देख सकते हैं, ठीक है। Q3 और Q6 हमने एक्स्ट्रा ऐड करा था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास पावर डिसिपेशन ज्यादा रहेगी बट स्पीड भी ज्यादा रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई आउटपुट वोल्टेज लेवल है जो दिस इज 2.4 और यहाँ पे 2.7 है, और लो आउटपुट वोल्टेज लेवल यहाँ पे 0.4 है, तो यहाँ पे 0.5 है। आपको पता है इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास नॉइस मार्जिन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों को माइनस करेंगे नॉइस मार्जिन हमारे पास 2 वोल्ट आएगा, और यहाँ पे जब आप माइनस करेंगे तो नॉइस मार्जिन 2.2 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि शॉर्टी टीटीएल के केस में नॉइस मार्जिन हमारे पास ज्यादा है, दिस इज अ एडवांटेज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जब भी आपको स्पीड ज्यादा चाहिए तब आप शॉर्टी टीटीएल यूज कर सकते हैं, बट जब आपका जो मेन कंसर्न है वो पावर डिसिपेशन है कि पावर डिसिपेशन कम होनी चाहिए सर्किट में, तो उस केस में आप लोग टीटीएल विद टोटम पोल यूज कर सकते हैं, ओके। एंड दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। Thank you so much.